हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खेल पॉइंट पर। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के दो मजबूत स्तंभ हैं। दोनों ने मिलकर भारत को कई ऐतिहासिक मैचों में जीत दिलाई है। फिलहाल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए नागपुर पहुंच चुकी है। टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है और विराट कोहली की फॉर्म कंगारुओं को बुरे सपने दिखा रही है। क्रिकेट जगत की नजर इस सीरीज पर टिकी है क्योंकि यही सीरीज भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की राह तय करेगी। लेकिन अचानक 2019 वर्ल्ड कप की बातें होने लगी है। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी लिखी किताब में खुलासा किया है कि 2019 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की अलग अलग गुट बन चुके थे। अपनी इस किताब में उन्होंने और क्या कहा, यह हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व फील्डिंग कोच ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच 2019 वर्ल्ड कप के दौरान चल रही गुटबाजी के बारे में अपनी किताब में बड़ा खुलासा किया है और ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातों को सबके सामने रखा है। आर श्रीधर ने अपनी किताब कोचिंग बियॉन्ड में लिखा है कि कैसे दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ, लेकिन यह मनमुटाव किसी गंभीर परिस्थिति में पहुंचता उससे पहले ही कोच रवि शास्त्री ने इसे संभाल लिया था। श्रीधर ने अपनी किताब में लिखा कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद मीडिया में काफी खबरें छप रही थी। न्यूजीलैंड से हारने के बाद हमें पता लगा कि टीम में एक रोहित कैंप है और एक विराट कैंप है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। दोस्तों, 2021 T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी और रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, तो इसे फिर से हवा मिली कि दोनों खिलाड़ियों के बीच क्या वाकई में कुछ ऐसा था या सिर्फ अफवाहें थी। इसे लेकर टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने अपनी किताब कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम में बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे तत्कालीन मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मामले को सुलझाने के लिए सभी चीजों को अपने हाथ में लिया और दोनों को कड़ी चेतावनी भी दी थी। आर श्रीधर ने क्या खुलासा किया? दोस्तों, आर श्रीधर ने अपनी किताब में कहा, 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार तक के सफर के लिए ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, इसको लेकर काफी चर्चा चल रही थी। हमें बताया गया था कि एक रोहित का खेमा है और एक विराट का खेमा है। किसी ने किसी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। यह ऐसी चीज थी जिसे हल्के में लिया जाता तो टीम अस्थिर हो जाती। रवि शास्त्री ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से क्या कहा? दोस्तों, आर श्रीधर ने अपनी किताब में आगे बताया कि लॉडर हिल में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए विश्व कप के लगभग 10 दिन बाद हम अमेरिका पहुंचे। रवि शास्त्री ने अमेरिका पहुंचते ही विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें समझाया कि भारतीय क्रिकेट की बेहतरी के लिए दोनों को एक साथ रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी हुआ वह होने दो, आप दोनों सीनियर क्रिकेटर हैं, इसलिए यह सब बंद होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप यह सब पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ने के लिए एकजुट हों।